हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलकश। दिलकश टेक में आपका स्वागत है। तो मेरी इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए शुक्रिया। काफ़ी ने नेगेटिव कमेंट भी करे, हर तरीके से लोगों ने अपनी राय दी। सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि लोग अभी भी राय दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये गलत है। कुछ लोग गंदी लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ लोग अच्छी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो मुझे पसंद आया जो अच्छे तरीके से बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है, इसमें गैस भरी होगी, भाई डिजिटल मीटर सिर्फ पावर बैंक से काम करता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई कि आपने इस तरीके से मुझे समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रियलिटी क्या है, क्या ये वाकई इलेक्ट्रिक बर्नर स्कोप है, और इसकी पूरी रिसर्च मैंने करी है। आपको पूरी डिटेल कंफर्म वीडियो देंगे, इसके बाद आप कोई भी ऐसी वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक है कि नॉन इलेक्ट्रिक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो को, तो आपको सेम ऐसा ही लगेगा जैसे मुझे फील हुआ था जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी शॉर्ट। मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा गैजेट है, जल्दी बताना चाहिए, पावर बैंक से इस तरीके से आग निकल ली, बहुत अच्छा है। मैं भी एक्साइटेड था, बट जब मैंने अब रिसर्च किया कि चीज़ जानी, तो ये स्टार्टिंग हुई थी टिकटॉक से, चाइनीज़ टिकटॉक से स्टार्टिंग हुई थी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बाद हर जगह डाउनलोड होकर यूट्यूब पर भी हमें देखने को मिली, जिसमें लग रहा था पावर बैंक से इस तरीके से आग निकल ली है बिना गैस के, बट पॉसिबल नहीं है बिना गैस के इस तरीके से आग निकलना। जैसे कि भाई लोगों ने कमेंट करे, बहुतों ने अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में समझाया, मुझे अच्छा लगा। बट इसका एक बेनिफिट ज़रूर है इस चूल्हे का, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, बट डिजिटल मीटर लिख के आते हैं, आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं टाइमर, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, बट चलेगा गैस से, होगा इलेक्ट्रिक से। यानी कि या तो स्विच लगाइए या तो पावर बैंक लगाइए, तब तक ये ऑन नहीं होगा, या तो सेल लगाइए तब ऑन होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें यह है कि हर जगह हम सिलेंडर लेके नहीं जा सकते, पर ये ऐसा चूल्हा है इसके अंदर आप गैस भर सकते हैं, आप इसमें गैस भर सकते हैं, कहीं एक दो दिन के लिए जा रहे हैं आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। इस मामले में ये अच्छा है, बट ये इलेक्ट्रिक सिर्फ इसलिए है कि इसके डिजिटल मीटर लिख के आता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं डिजिटल मीटर लिख के आता है, वैसे इसमें भी लिख के आता है, टाइमर सेट कर लीजिए, हर चीज़ कर लीजिए। पर देखने में ऐसा लग रहा था जिस हिसाब से बंदे ने एडिटिंग करी थी, ऐसा फील हो रहा था, और इतने ज़्यादा व्यूज़ के हिसाब से ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये रियल है, बट ये रियल नहीं है। काफ़ियों ने बहुत अच्छी बातें करी, एक एक चीज़ समझाई, यही जो बातें मैं बोल रहा हूँ लोगों ने बोली, मैंने फिर रिसर्च करी, पूरा एक एक चीज़ जानी, तो पता चला कि सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए, यानी कि टिकटॉक आपको पता है कितना बड़ा इंडिया में बैन है, बाकी कंट्री में तो चल रहा है, कितना बड़ा वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वायरल करने के लिए ऐसी हरकत करी थी, जिससे वो कामयाब भी हो गए, आज भी हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों ये थी इस प्रोडक्ट की रियलिटी। देखिए मैंने सच्चाई आप तक पहुँचा दी, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, बट जो मुँह में आया मैं उस समय बोल गया था, बट रियलिटी मैंने आपके सामने रख दी है, आपकी बात मैं सुन के सहमत हूँ। वेल दोस्तों, इसी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप और भी अच्छे तरीके से पूरा रिसर्च करके दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से आपको कोई फेक वीडियो मिले। उम्मीद करता हूँ ये गलती तो आप माफ़ कर ही सकते हैं, मैं भी इंसानी हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।